नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए और खास वीडियो में। देखिए, आपका जो है यह एक पार्ट और दूसरा जो है और एक पार्ट होने वाला है। उसके बाद आपका जो है सीबीटी एग्जाम 2024 का पूरा यहाँ पर नीमे का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यही प्लेलिस्ट जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि यही प्लेलिस्ट जो है आपको एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे हम रिप्लाई भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे जो कैंडिडेट है, जो हमारे भाई लोग हैं, उनको जो है यहाँ पर सिर्फ पीडीएफ नहीं मिलता है, बाकी दुनिया भर की चीज़ें उनको मिल जाएंगी, लेकिन पीडीएफ नहीं मिलेगा। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि टेलीग्राम ग्रुप पर हमने ऑलरेडी भेज दिया है सब कुछ, जितना भी थ्योरी का बुक हो सब कुछ पीडीएफ, टर्नर का, मशीनिस्ट का, हमने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से जाके जो है यहाँ पर उसको देखिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां से डाउनलोड करके जो है पढ़िए। और दूसरा जो है हमारा एक दूसरा हमने चैनल बनाया है, जो कि फिटनेस के लिए और खुद की फिटनेस के लिए, आप भी जो है यहाँ पर अपनी फिटनेस के लिए जो है यहाँ पर रोज़ सुबह एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसा आपका समय मिले। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट पिच डायमीटर ऑफ वार्म व्हील। वार्म व्हील के पिच व्यास की गणना करने के लिए किस फार्मूले का यूज किया जाता है। आप ऑप्शन देख लीजिए, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MZ2, MZ2। तो देखिए यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच गियर ड्राइव इज यूज्ड फॉर लीगल स्पीड रिड्यूशन एंड टॉर्क ट्रांसमिशन। बड़ी गति में कमी और टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए कौन सा गियर ड्राइव का उपयोग किया जाता है। हेलिकर, वर्म एंड वर्म व्हील, बीवेल, स्पर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, बड़ी गति में कमी और टॉर्क ट्रांसमिशन। टॉर्क मतलब क्या होता है, शक्ति, और ट्रांसमिशन मतलब क्या करना, उसको जो है ट्रांसफर करना, तो के लिए कौन सा गियर ड्राइव का उपयोग किया जाता है। तो ज़्यादा लार्ज स्पीड और रिडक्शन एंड टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए जो है यहाँ पर कौन सा यहाँ पर गियर का यूज़ किया जाता है, तो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, मतलब ज़्यादा यहाँ पर जो है पावर ट्रांसमिट टॉर्क ट्रांसमिशन करने के लिए। व्हाट इज NMZ1 इन वॉर्म कैलकुलेशन। देखिए वॉर्म कैलकुलेशन में NMZ1 की गणना क्या है, लीड एंगल ऑफ वॉर्म, लेंथ ऑफ वॉर्म, लीड ऑफ वॉर्म या टूथ थिकनेस, तो क्या है वह, तो वह जो है ऑप्शन नंबर सी, लीड ऑफ वॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित तत्व क्या है, रूट डाया, पिच डाया, एक्सिल, पिच या प्रेशर एंगल। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित तत्व क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर सी, एक्सिल, पिच है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्लाइन ऑन शाफ्ट, शाफ्ट पर स्प्लाइनों का उपयोग क्या है, टू स्लाइड अलोंग लॉन्गिट्यूडनली, चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एज आइडलर, स्प्लाइन हब फिक्स्ड स्टेशनरी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो शाफ्ट के ऊपर स्प्लाइन होते हैं, स्प्लाइन मतलब क्या होता है, मान लीजिए शाफ्ट है, हम इसका जो है टॉप व्यू आपको बता देते हैं, तो यहाँ पर ऐसे इस प्रकार के जो है यहाँ पर दांते होते हैं, यानी यह जो गोलाकार शाफ्ट होता है उसके ऊपर क्या होते हैं ऐसे, उसको क्या कहा जाता है, स्प्लाइन कहा जाता है। तो इसका जो है यूज़ क्या है, तो इसका जो यूज़ है वह है ऑप्शन नंबर ए, टू स्लाइड अलोंग लॉन्गिट्यूडनली, यानी लॉन्गिट्यूडनली स्लाइड करने के लिए। व्हाट इज़ द अरेंजमेंट नंबर ऑफ अ की एंड की वे फॉर्म्ड ओवर द सिलेंड्रिकल शाफ्ट, बेलनकार शाफ्ट पर गठित कुंजी और प्रमुख तरीकों की व्यवस्था की संख्या क्या है, लेदर की, स्प्लाइन, वुडरफ, राउंड। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी, स्प्लाइन। व्हाट इज द मार्क्ड एज एक्स, यहाँ पर देखिए यह जो लाइन पूछा गया है एक्स के रूप में, तो इसका नाम क्या है, टोटल कंपोजिट एरर, टूथ टूथ
कंपोजिट एरर, रेडियल रनआउट या प्रोफाइल एरर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, रेडियल रनआउट। विच मेथड इज सुटेबल फॉर वार्म व्हील मशीनिंग। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि किस मेथड का उपयोग वार्म व्हील मशीनिंग के लिए उपयुक्त है, यानी वार्म व्हील मशीनिंग के लिए उपयुक्त तरीका है? शार्पनिंग, हॉबिंग, ग्राइंडिंग, टर्निंग। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉबिंग जो है यहाँ पर वार्म व्हील मशीनिंग के लिए अत्यंत उपयुक्त तरीका है। व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित क्या है, यानी यहाँ पर जो आप एक्स के रूप में चिन्हित देख रहे हैं यह क्या दिखाया गया है? थ्रोट डाया है, पिच डाया है, ओवर डाया है, रूट डाया है, तो यह क्या है? तो यह जो है क्या है, यह है आपका पिच डाया। क्या है? पिच डाया है, यह ध्यान में रखिए आप, इधर उधर की बातों में नहीं। विच सरफेस ऑफ वार्म गियर इज टर्म एज थ्रोट। एक वार्म गियर की सतह गले के रूप में कहा जाता है, सिलेंड्रिकल, फ्लैट, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक वार्म गियर होता है उसकी जो सतह है वह क्या है, गले के रूप में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, सिलेंड्रिकल, फ्लैट, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कॉनकेव कहा जाता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिलिंग कटर कैसा होता है? और यहाँ पर जो है आपको बताना है, मतलब उसको जो है बहुत कंफ्यूज है, जो इसका शेप है, अगर यहाँ पर जो है कॉनकेव कटर होगा तो वह कैसी मिलिंग करेगा, तो कॉन्वेक्स करेगा, और अगर यह कॉन्वेक्स कटर है तो वह कैसी मिलिंग करेगा, वह कॉनकेव करेगा। यह आपको ध्यान में रखिए, यह दोनों बातें अपोजिट अपोजिट है, यह जो है आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज का जो है यह वीडियो है आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए, और पीडीएफ जो है आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो हमारा दूसरा चैनल है उसको भी विजिट कीजिए, और जो यहाँ पर नए नए आए हैं इस चैनल पर इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको जो है हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जो है लगभग तैयारी हो चुकी है, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पर चालू होने वाला है नेक्स्ट मंथ से। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, आप सभी को सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी बधाई हो। तो चलिए, और बेस्ट ऑफ लक, आप सब अच्छा परीक्षा देना और अच्छे अंकों से पास करना, यही हमारी जो है मनोकामना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।